सो गाइस, आज की वीडियो रहने वाली है बी कार्डेक्सामिन का मल्टी वाइटामिन एंड मल्टी मिनरल कैप्सूल्स के बारे में। इसके बारे में रहने वाला है रिव्यू। इसे लेते हुए मुझे 15 डेज हो चुके हैं, उसके बाद मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। बेसिकली मल्टी वाइटामिन है, आपको पता चल जाएगा मल्टी वाइटामिन क्यों ज़रूरी होता है, कब लेना चाहिए और क्या इसकी नीड है बॉडी में। और भी बहुत कुछ रहेगा आज की वीडियो में। तो मेरा नाम है अविनाश कुमार, चैनल पर नए हो तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ में मिलेगा बेल आइकन, उसे भी प्रेस कीजिए। तो गाइस चलिए, सो गाइस सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ मल्टी वाइटामिन के बारे में, क्यों ज़रूरी होता है आपकी बॉडी के लिए। अगर आप जिम जाते हो या नहीं भी जाते हो, तो आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो दो तरीके की होती है। एक तो मैक्रो न्यूट्रिएंट, एक होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट में आपको पता ही है, आप ज़्यादातर उसी पे फोकस करते हो, कार्ब्स, फैट एंड प्रोटीन। तो ये बेसिकली आपकी जो मसल्स ग्रोथ में हेल्प करता है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है, इन सब चीज़ों में काम करता है आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और जब बात आती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो वहाँ पे आते हैं आपके मल्टी वाइटामिन हुआ, कैल्शियम हुआ, जिंक हुआ, फॉस्फेट हुआ, ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। तो बेसिकली जब आप मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को कंसिडर करते हैं, तो उसमें इतना माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको नहीं मिल पाता जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। तो इसलिए हमें अलग से मल्टी वाइटामिन लेना होता है। और जब आप कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हो, तो जो आपका नॉर्मल फूड होता है उससे भी वो कंप्लीट नहीं हो पाता। अगर आप सोच रहे हो कि मैं कोई स्पोर्ट्स खेलता हूँ या जिम करता हूँ और जो मैं अपने नेचुरल फूड ले रहा हूँ उनसे आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो इसलिए आपको अलग से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक योर मल्टी वाइटामिन एंड मल्टी मिनरल कैप्सूल्स ऐड करने पड़ते हैं। तो गाइस, जब बात करते हैं मल्टी वाइटामिन आपको कैसे हेल्प करता है, जो भी आपकी जैसे आपके हेयर हुआ, आइज़ हुआ, जो आपके देखने की जो आई साइट होती है वो, आपकी स्किन हुआ, आपके नेल्स हुए, आपके बोन्स हुए, इन सब चीज़ों में हेल्प करती है आपकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। आपका खुद सोचो, अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेकर बल्की भी हो जाते हो, आपकी मसल्स ग्रोथ हो जाती है और आपके देखने की जो आई साइट है वो अच्छी नहीं है, आपके हेयर्स नहीं है, आपकी स्किन अच्छी नहीं है, तो कैसा लगेगा। तो इसलिए दोनों ही चीज़ें ज़रूरी होती है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना आपका मैक्रो। तो आपको जस्ट प्रोटीन, फैट एंड कार्ब्स पे डिपेंड नहीं रहना है, आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी लेने हैं। और गाइस, अब बात करते हैं बीकाडेक्सामिन का मल्टी वाइटामिन एंड मल्टी मिनरल के बारे में। तो इसका रिव्यू मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे अभी रिसेंटली ही पता चला है। इससे पहले मैं जो सप्लीमेंट स्टोर पर मल्टी वाइटामिन आते थे उनको कंज्यूम करता था, और अब मैं लेता हूँ बीकाडेक्सामिन और इसको मैंने 15 डेज़ रेगुलर यूज़ किया है। तो इसलिए मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ और इसके रिजल्ट्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। और बात की जाए बीकाडेक्सामिन मल्टी वाइटामिन के बारे में, तो ये सबसे चीपेस्ट मल्टी विटामिन मैं कहूँगा, इससे सस्ता मैंने अभी तक कहीं नहीं देखा है। और सबसे अच्छी बात, ये आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है, आपको किसी सप्लीमेंट स्टोर पे जाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल होता है। और दूसरी बात, जब भी आप सप्लीमेंट स्टोर से कोई सप्लीमेंट खरीदते हो, तो सबसे पहले कन्फ्यूजन जो होता है आपके दिमाग में यही होता है कि ये सप्लीमेंट ओरिजिनल है या फेक है। अगर कोई भी चीज़ आप मेडिकल स्टोर से लेते हो, तो वहाँ पर आपको श्योरिटी होती है कि वो ओरिजिनल ही होता है, क्योंकि वहाँ से मेडिकल सर्टिफाइड होती हैं जो भी चीज़ें होती हैं। तो बीकाडेक्सामिन डेफिनेटली आपको ओरिजिनल मिलेगा। और गाइस, वहीं बात की जाए इसके इंग्रेडिएंट्स की, तो इसमें आपको मैग्नीशियम मिलता है, पोटेशियम मिलता है, जिंक मिलता है और आपको कॉपर सल्फेट मिलता है। इसमें मल्टीविटामिन मिलते हैं जो कि आपका विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, मतलब टोटल कंप्लीट आपको इसमें मिल जाएगा। और गाइस, बात करते हैं इसे लेने का तरीका, इसे लेना कैसे होता है, मैं आपको एक बार इसकी कैप्सूल दिखा देता हूँ, जो ये नॉर्मली सॉफ्ट जेल के फॉर्म में आता है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये सॉफ्ट जेल्स हैं, ये चॉकलेट फ्लेवर होता है थोड़ा, और इसके अंदर इसमें लिक्विड होता है, तो सॉफ्ट जेल इन्हें बोलते हैं। तो बेसिकली इस तरीके का इनका कलर है। और बात की जाए इसे लेने की, तो ये गाइस आप ब्रेकफास्ट के बाद अपना एक कैप्सूल ले सकते हैं, और आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन्हें बढ़ा भी सकते हैं, और लेने से पहले आप इसे डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं कि आपको कितना लेना चाहिए। अगर पर्सनली बोला जाए तो मैं इसे पर कैप्सूल पर डे ले रहा हूँ, तो मैं इससे ज़्यादा नहीं लेता। और गाइज, बात की जाए लास्ट में इसके प्राइस की, तो गाइज इसका जो MRP यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वो है 42 रुपीज़। तो बेसिकली आपको ये 42 का नहीं मिलेगा, ये आपको 36 और 30 रुपीज़ के अराउंड मिल जाएगा, क्योंकि जो मैंने परचेज़ किया था ये 36 रुपये में किया था। तो आप खुद सोचिए, इतना सस्ता मल्टी विटामिन मुझे आज तक इससे पहले नहीं मिला। वो नॉर्मली जो मैं लेता था, मैं 500 से 600 रुपये का पड़ता था, और जब मुझे इसके बारे में पता चला सेम चीज़ें मुझे इसमें मिलती हैं, तो मैंने ये अपनी डाइट में ऐड किया। तो इससे सस्ता मुझे अभी तक कोई नहीं मिला, और सबसे अच्छा भी है। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो अबाउट बीकाडेक्सामिन मल्टी वाइटामिन एंड मल्टी मिनरल कैप्सूल्स के बारे में। आई होप कोई क्वेरी नहीं बची होगी। अभी भी कोई क्वेरी बचती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर भी रिप्लाई कर दूँगा। तो गाइस चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।